हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हरिशव अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने जो है एक नंबर का जितना भी क्वेश्चन था, चैप्टर नंबर किसमें, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 किसका बच्चों, हमने डिस्कस किया था आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान का, जिसका पूरा कंप्लीट कर दिए थे हमने। एक नंबर के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी दे दिया था। अब आज हम शुरुआत करने वाले बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं इकाई 1 का चैप्टर नंबर 2, जिसका 2 अंकों वाले जितना प्रश्न है उस पर चर्चा करने वाले हैं, जितना पीआईक्यू उस पर चर्चा करने वाले हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे हम बात करने वाले बच्चों। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों, किसके बारे में, अम्ल क्षार और लवण, जो कि अध्याय नंबर 2 है कक्षा 10वीं विज्ञान का बच्चों, उसके अंतर्गत आने वाली 2 नंबर के जो प्रश्न है, जो बोर्ड में आती है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आज का, ये 2 अंकों के प्रश्न का मैनेजमेंट कैसे करना है और आपको कैसे अप्रोच करना है इस पर, और आएगा कैसे एग्जाम में और हम कैसे लिखना है इस पर चर्चा चालू करते हैं बच्चों। तो चलो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और सफर का शुरुआत करते हैं 2 अंकों वाली प्रश्नों के लिए। तो चलो चालू करते हैं। तो देखो बच्चों, प्रश्न देखते ही आपको पता चल रहा है क्या, रिपीटेड क्वेश्चन है सर, 2022 में आया था, 2020 में आया था और बार बार रिपीट हो रहा है। तो चलो भी चर्चा करते हैं। अब भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखिए। अब जो खाते पीते हैं, है ना, जितना भी आप फूड खाते हो, इधर उधर नाना प्रकार के जैसा भी खाते हो, है ना, उसमें क्या क्या अम्ल पाया जाता है, कोई नाम बता दो। अब ये सब सुनते ही आपको पता चलेगा कि सर मैं खाता हूं ऐसा ऐसा पदार्थ जिसमें अम्ल ही नहीं है। अब मैं खाता हूं पिज्जा, मैं खाता हूं बर्गर, इसमें अम्ल कहां है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसमें सब्जी में डला होता है भाई, सब्जी में क्या डला होता है, टमाटर, गुपचुप खाते हो तो इमली, है ना, तो ये सब क्या है, ये सब भी तो आपका अम्ल का उदाहरण है, जिसको आप चैप्टर में पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं बता रहा हूं, इसके अंदर में भी क्या पाया जाता है, इसके अंदर में भी एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, जिसका नाम क्या है सर, इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड और आपका टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। अभी भोज्य पदार्थ में पाया जाने वाला है, इसे खाने के लिए यूज करते हो आप, तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, इसको आप लिख सकते हो। और क्या घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि भाई भोज्य पदार्थ में तो आता है टार्टरिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल, जो कि इमली और टमाटर के अंतर्गत रहती है, ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, इजी है, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान गए बच्चों। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। अब और कैसे क्वेश्चन आया था, देखो ये कोर्स कब आया था, ये 2020 में आया था बच्चों, 2020 में ये पूछा गया था कि ये जो है आपका, देखो ये और ये जो आप इमली और आपका क्या बच्चों टमाटर, जो कि सरल है ना, तो 2020 में क्या आया था कि ये जो इमली और टमाटर है उसके बारे में लिखो करके आया था, बस क्वेश्चन पूछने तरीका अलग है, ठीक है, क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। अब आप सोचेंगे कि सर 2020 की बात करें, 2022 में क्या आया था, भाई 2022 में जो यूनिट 1 की जिसकी मैं बात कर रहा था उसमें चैप्टर नंबर 2 है ना, ये तो मैं डिस्कस करने आया था 4 और 1 इसका आया था, लेकिन जो 2022 में आया था 2 नंबर का प्रश्न, वो आ गया था दूसरे चैप्टर से, इसी यूनिट में दूसरे चैप्टर से आया था, जिसको मैं दूसरे चैप्टर में जब चलूंगा तो मैं बता दूंगा इसी यूनिट के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाँ, सेट ए में आया था, सेट बी में क्या आया था, अम्ल और क्षार के प्राकृतिक स्रोत के 2 नाम लिखे बोल रहा है। अब प्राकृतिक सोर्स जहां से आपको अम्ल और क्षार मिलता है उसके 2 नाम लिखे बोल रहा है, आपको याद रख लेना है बच्चों, क्या कि नींबू, आंवला और इमली, जैसा कि ये है, ये भी प्राकृतिक सोर्स है, इससे क्या मिल जाता है आपको, इससे आपको मिल जाता है क्या, आपको एसिड मिल जाता है, और साथ में चूना पत्थर भी एक तरह का बेस है, इससे आपको भी मिल जाता है बेस, और खाने का सोडा तो जानते ही है, कपड़े धोने का सोडा जानते ही है, ये भी सोर्स ही है जहां से आपको क्या मिलता है बच्चों, बेस मिलता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH है, ये भी क्या है, एक बेस ही है, क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी, समझाइए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 में आया था और इससे पहले भी पूछा गया था, किसमें, कुछ कुछ हाफ ईयरली और क्वार्टरली होता था, ये सब क्वेश्चन आता था बच्चों। अभी 2020 में आया है, इसको फिर से अब इसमें हो सकता है 2023 में रिपीट कर दे, फिर भी पूछ सकता है। तो चलो देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होती है। तो बच्चों आपको तो पता होगा पोटेशियम क्लोराइड कैसे लिखा जाता है, KCl, ये तो जानते ही हैं, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी, किसकी प्रकृति बच्चों, उसके जलीय विलयन की। तो जलीय विलयन बोलते हैं आपको क्या पता चल रहा है सर, हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है किससे रिएक्ट करता होगा, या तो ये कहा जा सकता हूं मैं H2O से रिएक्ट करता होगा, है ना, इससे जल से रिएक्ट करता होगा, या तो फिर ये बोल सकता हूं मैं इसको KCl को जल में डुबाया जाता होगा। अभी डुबाया जा रहा है तो एक चीज और होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए, अगर नहीं पता तो बता दूं बच्चों,
कि ये जो है के प्लस और सीएल माइनस आयन में विभक्त हो जाता है अधिक मात्रा में जल में जब इसको मिलाया जाता है तो। क्लियर हुआ बच्चों, यहां तक समझ में आया? मैं क्या बोला कि जो KCl है वो जली, जैसे विलयन बनाओगे या फिर जली के साथ क्या करोगे, जल के साथ रिएक्ट कराओगे, वो क्या होता है अपने आयन में तब्दील हो जाता है, आयन में बदल जाता है। जो K पोटेशियम है वो K प्लस में और Cl जो है Cl माइनस में टूट जाता है, अपने आयनीकरण में बढ़ जाता है। यहां तक की बात ठीक है सर, फिर क्या होता होगा? तो भाई जो प्रश्न पूछा गया है, कई बुक में गलत सवाल भी दे दिया है बच्चों, उसको फॉलो नहीं करना है आपको, हम बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। ये क्या बोलता है कि H2O जो है इसे रिएक्ट करके ये आपस में क्या बना देता है सर, ये जो है, अब देखो ये तो आपको पता ही है, H2O क्या कर सकते हो H प्लस और OH माइनस में तोड़ सकते हैं, ये तो पता ही है, बेसिक है, ठीक है सर। अब ये जब K प्लस OH माइनस Cl माइनस H प्लस दिख रहा है तो बच्चों पता है नेगेटिव पॉजिटिव से, पॉजिटिव जो है नेगेटिव से अट्रैक्ट होती है, तो क्यों ना मैं इसको रिएक्ट करा के क्या बना दूं। देखो K प्लस जो है OH के साथ दिखा, आपको पूरा बॉन्डिंग के बारे में पूरा पढ़ा दिया था बच्चों, कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं में मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो आइए हमारे ऐप में और आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा जो कि हमारे अभिप्सा ऐप में है बच्चों। तो मैं बात कर रहा था बॉन्डिंग की, तो देखो K प्लस OH माइनस रिएक्ट करके KOH बना दिया, क्लियर। और क्या बच्चा भाई, आपका जो बच्चा Cl और इधर से H क्या बन गया, H प्लस और Cl माइनस, तो इसको क्या लिख सकता हूं सर, मैं इसे लिख सकता हूं KOH और इसको लिख सकता हूं क्या, HCl। अब HCl जो है अम्ल है और KOH जो है ये क्षार है, तो बच्चों इसके क्या बना रहा है, ये बना दिया आपका क्षारीय विलयन बना दिया, क्षारीय विलयन बना दिया और साथ में आपको मिल गया क्या, अम्ल मिल गया, क्या मिल गया बच्चों, अम्ल मिल गया। तो आप कैसे लिखोगे प्रश्न में, तो आप बताना कि ये जो है क्षारीय विलयन और क्या बनाती है, क्षारीय विलयन भी बनाती है और साथ में आपका अम्लीय विलयन भी बनाती है, लेकिन आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि ये जो रिएक्ट करके के प्लस और सीएल माइनस आयन में विभक्त हो जाती है। क्लियर समझ में आया बच्चों, लिखना कैसे समझ में आया? सबसे पहले बता दूं, दोनों नंबर का जब भी क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले जो पूछा गया है उसको अच्छे समझिए। जैसे आप समझेंगे पोटेशियम क्लोराइड के जली विलयन की प्रकृति क्या होगी, ऐसा सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि पोटेशियम क्लोराइड मतलब क्या, उसका फॉर्मूला याद आना चाहिए KCl, ठीक है। फिर के जली विलयन की प्रकृति क्या होगी, प्रश्न पूछता है जली विलयन, जली बोलते ही पता चल गया H2O, तो आपको माइंड में आ गया, आपके माइंड में आ गया कि अगर विज्ञान की शाखा है तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल रसायन की बात कर रही है और रसायन में हमें लिखना पड़ता है क्या, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण। तो मैं बात कर रहा था KCl का, तो पोटेशियम क्लोराइड से पता चल गया KCl, जली विलयन से पता चल गया H2O, भाई रिएक्ट करा दो। बस जानने वाली चीज ये है कि जली विलयन में जाता है तो K जो है अपने आयनीकरण जैसे K प्लस में आयनित कण में बदल जाता है और Cl जो है Cl माइनस में तब्दील हो जाता है, इसमें विभक्त हो जाता है, फिर जाके ये क्या होता है रिएक्ट करके KOH और HCl बनाता है। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया बच्चों? तो अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही होगी इसमें तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सर ये हुआ कैसे हुआ, हम बिल्कुल इस पर जवाब देंगे बच्चों, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं कि अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है, 2019 से पूछा गया था। अब भाई क्यों नहीं रखा जाता, मम्मी से पूछना आपने, वो बताएगी। देखना मम्मी जो है क्या करती, शीशे की जार जो रहती है उसमें रख देती है अचार, अब वो क्यों रखती है पूछना एक बार, अगर नहीं बताती मम्मी तो देखिए एक बार लेक्चर को, लेक्चर पता चल गया आपको, मम्मी को भी दिखाइए क्या है उसका रीजन। उसका रीजन ये है कि अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता है क्योंकि अचार तथा अन्य जो खट्टे पदार्थ है उसमें अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। किसमें बच्चों, अचार तथा अन्य जैसे भी खट्टे पदार्थ है उसमें अम्ल होता है जो कि उस धातु के बर्तन, कैसे धातु बच्चों, जो तांबे है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al है ना, ये तो पता है सूत्र आपको, Al कॉपर तांबा बोलते हैं जिसे, इसके क्या बच्चों, ये तो मेरे धातु है क्या, अगर ये धातु है सर तो इसे अगर रिएक्ट कर देता होगा अगर अम्ल तो क्या बनाता होगा भाई, तो विषैले तत्व जो बनेगा विषैले यौगिक बनेगा किससे बच्चों, वो जो आपसे तांबा और आपके एल्यूमिनियम से रिएक्ट किया, कौन, अम्ल जो है उससे रिएक्ट किया, विषैले आपके क्या बना दिया, विषैले जो है धातु यौगिक बना दिया, तो ये क्या करेगा भाई, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है ना भाई। इस कारण से मम्मी दादी लोग क्या करते हैं, जो आपके अचार है जो घर में खट्टा पदार्थ आता है उसको जरली वो काच के या फिर किसी ऐसे पोर्शन या फिर किसी ऐसे पात्र में रखते हैं जो रिएक्ट ना करे। क्लियर हुआ, तो इसका आंसर पता चला बच्चों, समझ में आया, आपको इतना ही लिखना है इसमें, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो
एक देवेन नाम का लड़का है जिसका दृष्टिबाधित है ना, वो दृष्टिबाधित मतलब क्या, वो देख नहीं सकता। अब वो देख नहीं सकता तो क्या करता है सर, वह किन किन सूचकों का प्रयोग करके अम्ल और क्षार की पहचान कर सकता है। चलो कॉमन सेंस लगाओ भाई। भाई हमने सूचक के बारे में डिस्कस किया था, या फिर आपको सूचक के बारे में पता चला होगा, या फिर जानते ही हैं, मैं मान के चलता हूं कि आप जानते हैं। अगर वो दृष्टिबाधित है, अगर वो देख नहीं सक रहा है ना, देख नहीं पा रहा है, तो क्या करोगे उसके सामने सूचक, अब बताओगे मैं ला दिया, क्या मैं ला दिया, चलो नींबू ला दिया, बात की बात है ना, नींबू। उसको पता नहीं चलेगा कि नींबू कर रहे, क्यों, क्योंकि मैं उसके सामने में रख दिया। अब उसको सामने में रखा, उस भाई वो तो अंधा है ना, वो दृष्टिबाधित है ना, अब वो देख नहीं पा रहा है, कैसे जानेगा कि नींबू करके, ठीक है, दूर में हूं ना मैं। अब बात करता हूं मैं, और कुछ ला दिया ऐसा सोर्स, फिर ऐसा सूचक है ना, जैसे कि अब लिटमस पेपर की बात करूं, तो लिटमस पेपर को देखकर तो जानना चाहिए उसको, तो देखेगा ही नहीं भाई। देखो लिटमस पेपर को हम कैसे जानते हैं, अनिल के बारे में जानते हैं, अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को लाल करता है, ठीक है, ये तो पता ही सर, ये फार्मूला आपको बताए थे, वो आपको पता ही होगा। अगर नहीं भी पता तो बता दूं बच्चों कि जो अनिल एक फार्मूला है जिसके माध्यम से आप जान जाओगे क्या कि अम्ल, इसका शॉर्टकट है अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या करता है भाई, लाल रंग में बदलता है। अब ये बदलता है सर, ये तो आप बता दिए, ठीक है, तो लेकिन भाई ये तो दृष्टिबाधित है ना, वो कैसे जानेंगे, तो हमने बात किया था, या फिर आपको पता ही है कि, मान के चलता हूं कि आपको पता है भाई, सुगंध का एक कुछ सुने होंगे, कुछ सूचक ऐसे होते हैं जिसको सुगंध के माध्यम से पता किया जाता है ना। अब भाई उसी के बारे में बात कर रहा था मैं, जिसको क्या बोलते हैं भाई, गंधी सूचक, या फिर घ्राण सूचक बोलते हैं, या फिर आपका ये देखिए ओल्फा फैक्ट जो लिखा है, फैक्ट्री इंडिकेटर का यूज करके देवेन जो है क्या कर सकता है भाई, वो बता सकता है कि अम्ल है कि क्षार, सुगंध। भाई नाक थोड़ा बंद हो जाएगा, अगर वो दृष्टिबाधित है तो नाक से थोड़ा उसको सांस लेने में दिक्कत होगी है ना, आंख बस में दिक्कत है उनको, तो सुगंध से बता सकता है कि ये अम्ल है या क्षार। जैसे कि लौंग के तेल का एग्जांपल बताया था मैं, इसका एमसीक्यू भी हमने बात की थी, ठीक है, तो ये समझ में आया। तो इस टाइप क्वेश्चन था बच्चों, क्लियर एकदम। देखो क्या पूछा है, अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता भाई, अम्ल और क्षार से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल अम्ल होता होगा और रिएक्ट करता होगा सर, तो विषैले तत्व या फिर यौगिक बनाता होगा। दृष्टिबाधित है तो कैसे पीएच वैल्यू, भाई बात किया तो मैं, पीएच और आपका जो क्या है आपके सूचक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, देख लो दो नंबर के प्रश्न में भी वही प्रश्न है, वो आपका आया है उसी टॉपिक से, अम्ल और क्षार और क्या पीएच वैल्यू सूचक, बस यही से ही क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, और ज्यादा कुछ इसमें मेहनत की जरूरत ही नहीं आपको। अब देखते हैं क्या, अब बोलता है कि ताजे दूध का पीएच मान जो है 6 होता है, ठीक है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है। भाई आप तो देखो ताजे दूध देख लिए, ठीक है, आपका ये जो है मिल्क है ना, आपको देखकर आपको लालच जरूर आ सकती है, मुंह में पानी आ सकती है कि सर इतना अच्छा दिख रहा है दूध, पी लेते हैं करके। हाँ ठीक है भाई, पी लेंगे, जब आप वीडियो देख रहे हैं पी सकते हैं, लेकिन इसको आप रख दे 2 दिन के लिए रख दीजिए, ये कैसे इसका स्वाद जो बदल जाता है ना, स्वाद बदल जाएगा, फिर क्या बनने लग जाता है, ये दही बन जाने पर दही बन जाता है, खट्टा हो जाता है, ठीक है, ये तो पता ही है, आप जानते ही इसके बारे में, तो वो कैसा रहता होगा सर, वो भी मजेदार रहता है सर, ऐसा बोल सकते हो भाई। लेकिन चलो हमारी क्वेश्चन ये नहीं थी कि एक दही बनता है तो क्यों बनता है, ये सब पूरा पढ़ के आया, 8वीं 9वीं से पढ़ते आया हो भाई, लेकिन हम बात कर रहे थे सिर्फ पीएच के बारे में, कि अगर ताजे दूध का पीएच मान जो है 6 है, दही बन जाने पर इसके मान में क्या परिवर्तन होता होगा, बताओ भाई। अब आपको क्या पता है, ये पता है कि सर ये दूध जो है अगर पीएच उसका 6 है, ठीक है, अगर उसका पीएच 6 है और उसका पीएच जो वैल्यू है इसके मान में क्या होता होगा भाई, ये खट्टा हो रहा है मतलब क्या, मान में बिल्कुल H प्लस आयन की क्या सांद्रता में कुछ न कुछ परिवर्तन आता होगा, तो उसी H प्लस आयन की सांद्रता में क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि हो जाएगी, तो क्या परिवर्तन आता होगा बच्चों, उसमें परिवर्तन आता है सर कि जो आपका क्या है भाई, जो आपका दही है, दही जो खट्टापन आया था वो क्यों आया, क्योंकि जो H प्लस आयन है वो कुछ न कुछ ट्रांसफर हुआ है, ये तो पता है, अगर ये 6 है खट्टापन आया मतलब क्या बच्चों, उसका पीएच वैल्यू क्या हुआ होगा भाई, उसका पीएच वैल्यू जो है डिक्रीज हुआ होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है पीएच वैल्यू जो है इधर चलोगे तो क्या होता है भाई, बेस की बात करता हूं मैं, क्षार की बात करता हूं, और इधर चला तो मैं अम्ल की बात करता हूं, जिसे बोलता हूं मैं एसिड, भाई ये न्यूट्रल कितना होता है सर, 7 पानी की होती है, H2O की होती है, तो जब भाई दूध जो है 6 है और खट्टापन आता है दही में, आपको तो पता ही है मतलब क्या भाई,
पीएच वैल्यू जो है कम हुआ होगा, किसका, दही का। तो क्या बोल सकता हूं मैं कि अगर पूछा तो तय दूध का पीएच मान 6 होता है, तो दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान वैल्यू में कमी आ जाती है, जिस कारण से स्वाद में क्या होता है भाई, खट्टा हो जाता है और दही जो है खट्टा लगता है। इसका आंसर क्या हुआ, समझ में आया बच्चों? ये कब पूछा गया था, 2019 में सेट सी में पूछा गया था। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से इसी क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई दही बना है, दही से आप दूध बनाना चाहो तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर इन केस, तो उसमें दही से दूध में जाने में क्या होगी, H प्लस आयन या फिर पीएच वैल्यू में क्या परिवर्तन आएगी, ऐसा भी पूछा जा सकता है। दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें पीएच वैल्यू में क्या अंतर आती है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है भाई। और जो ऐसा भी और कुछ पूछ सकते हैं, कैसे देख लेते हैं कि अगर मैं बात करूं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को परिभाषित करिए और उसके दो दो उदाहरण दीजिए। अब मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये आपको पता ही है, और अगर पता नहीं तो मैं बता दूं कि भाई प्रबल अम्ल किसे बोलते हैं। इसको आपको अगर देखना है बच्चों तो हमारे ऐप में बिल्कुल जाके अच्छे से देख सकते हो, नहीं तो फिर आपको तो पता ही है कि क्या होती है, H प्लस आयन का खेल होता है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की बात करूं तो OH माइनस आयन की खेल होती है। अब ये क्या होता है सर भाई, आपको पता है, मैं मान के चल रहा हूं प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का एक एक लाइन का डेफिनेशन दे देना, और उसके बाद आपको क्या करना है भाई, उसके दो दो उदाहरण दे दोगे जैसे ही, या फिर एक भी उदाहरण दोगे तो भी चल जाएगा। आपको कितना नंबर मिल जाएगा भाई, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन जनरली इसमें क्या पूछा रहा है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार को परिभाषित करते हुए प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा हो गया, 3 नंबर के लिए आप पूछ सकते हैं। ये इसी को कैसे बोल सकते हैं, प्रबल अम्ल का परिभाषित दीजिए और इसके दो उदाहरण दीजिए, 2 नंबर का प्रश्न बन गया। प्रबल क्षार को बताइए और 2 नंबर उसका उदाहरण दे दीजिए, ये भी 2 नंबर का प्रश्न बन गया। इसको इस प्रकार से दिया जा सकता है बच्चों, और ये रिपीट भी हो सकता है, ये आ भी सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है बच्चों। अब ये इसी को कैसे घुमा सकता है, अब पूछ दिया कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल के 2 उदाहरण दीजिए, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं परिभाषक परिभाषित कीजिए, उसके 2 उदाहरण दीजिए, दुर्बल अम्ल और प्रबल प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में क्या अंतर है, या फिर इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। बस आपको समझना है कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक है। अभी तक आप पढ़ भी लिए होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो ये चीज जान लीजिए कि इस सिंपल जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या पूछा है, 2 नंबर के प्रश्न में बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में आप पढ़े रहेंगे चैप्टर का, वही सब पूछ रहा है बच्चों। प्रबल अम्ल पूछ दिया, प्रबल क्षार पूछ दिया, 2 नंबर क्वेश्चन और कितना वो पूछ सकता है, और कठिन पूछ ही नहीं सकता। अब वो कैसे बोल सकता है, अगर मैं बात करूं कि अब वो बोलेगा पीएच वैल्यू दे देगा, इनमें से दुर्बल अम्ल है, इनमें से प्रबल अम्ल है, इनमें से प्रबल क्षार है, इसमें दुर्बल क्षार है। अब कैसे जानोगे भाई, इसका भी जानने का एक क्या है, ट्रिक है, पीएच वैल्यू है, जिसको 4 नंबर के क्वेश्चन में जब आऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, तब तक मैं बात करता हूं। और देखो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ रहा है आपको, अगर नहीं आ रहा है भाई तो बताइए कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल बताइए आप कि सर आप जो पढ़ा रहे हो तरीका थोड़ा गलत है, या फिर स्पीड हो जा रहा है, या फिर और क्वेश्चन आइए सर, आप बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है आप बच्चों, ठीक है। तो चलो हम क्या बात कर रहे थे, 7 नंबर क्वेश्चन ऐसा टाइप आ सकता है, इससे बहुत क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, इसी से ही मैं 4-5 क्वेश्चन बना के आपको दे सकता हूं भाई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में देखो जो अम्ल है और क्षार है ना, अम्ल और क्षार में क्या क्या है, यहां पर देखो इतना जो दिख रहा है ये अम्ल और क्षार है, आपको पहले से पता है, बस इसका समूह बता दो सर, इसका समूह बता दो, अम्ल का समूह एक जगह लिख दो और क्षार का समूह एक जगह लिख दो, ऐसा प्रश्न पूछ दिया किसने, बोर्ड एग्जाम ने, है ना, मतलब CGBSE बोर्ड वाले ने पूछ दिया। तो कैसे करोगे भाई, आप इतना तो पढ़ के आए ही हो, आप क्षार और जितना भी आपका अम्ल है H प्लस और OH को जानते ही हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितना OH OH वाला दिख रहा है भाई, देख लो उसको, चलो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, सोडियम कार्बोनेट भी, ये भी क्या है भाई, क्लियर, इसी का ग्रुप वाला है, ये भी इसी का ग्रुप वाला है, तो क्षार के एक सेक्शन बना दिया मैं, तीनों को लिख दिया। अब अम्ल का एक सेक्शन बना दिया, अब देखो कैसे लिख रहे हैं, आपको ये लिखना है, जैसे देखो मैं लिखा अम्ल, देखो लिखना कैसे आपको एग्जाम में बच्चों, जो प्रश्न लिखा है आपका, जो मिला है आपको क्या आंसर, जो मिला है आपको आंसर शीट मिला है, उसमें आप उत्तर क्रमांक ऐसे लिखोगे, आंसर नंबर, जैसे अगर मैं बात करूं
एक सेकंड हाँ, चलो ये प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, इसी को मैं बात करूँ, ये उत्तर, चलो उत्तर ठीक है, ऐसे लिखे, फिर डब्बा बना दिए, स्केल मस्त लिए, बढ़िया चार। अब डब्बा से एकदम इसको कवर कर दो भाई, डिब्बा डब्बा जो भी बोलो आप, आपको जो उचित लगे सेक्शन बना दो, वो तो बनाए बुनाया रहता है सर। अब क्या बोल रहा है, अम्ल कौन कौन सा है, एक जगह लिख दो भाई, नाइट्रिक एसिड दिख ही रहा है आपको, HNO3 H2SO4 अम्ल होता है, पता है बच्चा बच्चा जानता है, और कार्बोनिक अम्ल दिख रहा है भाई, एक जगह लिख दो इसको, किसको लिखना है भाई, ये दे, है ना, इतना सरल और कुछ पूछ ही नहीं सकता कोई, अब इतना सरल नहीं बनाओगे बच्चों तो डांट पड़ेगी आप लोग को भाई। ये हुआ अम्ल का सेक्शन, और इधर लिख दो क्षार को, KOS था सर, और क्या था भाई, NaOH है और NaHCO3 है, NaHCO3 और NaOH, भाई सेक्शन बांट दिए, इसको लिख दिए, जांचने वाला एकदम खुश कि भाई बच्चे ने अच्छे से डिब्बो बना के दे दिया है और अच्छे से सेक्शन को बांट दिया है, अच्छे से उसको पता ही है अम्ल और क्षार के बारे में। भाई हमारे विद्यार्थी हो आप, हमसे पढ़े हो, अच्छे से लिखोगे ही लिखोगे ना, ठीक है, मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, अब इतना लिखना है, और देखो ये ऐसा लिख सकते हो, और कई बच्चे भी ऐसा भी लिख सकते हैं कि अम्ल ऐसा किया, जितना बचा हुआ है जितना अम्ल है उसको इस जगह लिख दो, क्षार यहां पर जितना क्षार है उसको भी लिख सकते हो, अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा आप बना के लिखोगे, आउटलाइन टेप बनाओगे, टेबल बना के दिखाओगे, तो उनको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, उनको जो अट्रैक्ट करेगी वो जल्दी नंबर देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में इसको लिखना है। अब समझ गए, इससे क्वेश्चन तो समझ में आ गया बच्चों, कैसा टाइप आता है, क्लियर हुआ। अगर और देखो मैं बात करूं तो ये ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है भाई, कैसे कि ये जो है आपका कहां गया, हाँ जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये अचार वाला जो क्वेश्चन था, ये भी रिपीट हो सकता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें ऐसा कोई धातु जिससे रिएक्ट करके अम्ल जो है H2 गैस रिलीज करता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको हम जो है धातु वाले पूरे चैप्टर में इसमें क्या किए थे बच्चों, आने वाले चैप्टर जो आएगा उसमें भी पढ़ेंगे, और इसका भी अम्ल और क्षार से संबंधित है, तो वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कुछ चैप्टर जो उधर है और कुछ चैप्टर इधर है तो अलग अलग क्वेश्चन आता होगा, आता है, लेकिन कुछ ऐसा रहता है जो इसमें पढ़ लोगे तो उसमें भी काम आ जाता है, किसमें, धातु और जो पढ़ोगे चैप्टर उसमें, और धातु क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है, क्योंकि अम्ल और धातु तो एक ही है ना भाई, अम्ल सब जगह जो पाया जाता है, अम्ल और सब जगह जो धातु पाया जाता है, वो ऐसा नहीं है कि इस वाले चैप्टर में अलग धातु की बात कर रहा हूं मैं, उस वाले चैप्टर में अलग अम्ल की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा रिलेटेड इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, नाम बदलकर देवेंद्र का नाम बदल के वो कुछ भी रख सकता है, और पीएच वैल्यू का क्वेश्चन भी दे सकता है बच्चों, ठीक है, क्लियर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रिपीट भी हो सकता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बोला है वो सोडियम क्लोराइड का भी एग्जांपल देकर बात कर सकता है भाई, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है बच्चों, ठीक है। ये जो मजेदार था, खाने पीने की चीज आपको फेवरेट है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ सकती है, अम्ल क्षार क्या होती है इसको पूरा जानना है आपको, और पूरा जानते हुए आगे बढ़ना है बच्चों, क्लियर हुआ। तो ये तो समझ में आया होगा अच्छे तरीके से बच्चों, और ये पीएच वैल्यू से देखो कैसे कितना क्वेश्चन आ रहा है, कहां दूध कहां दही, ये सब प्रोसेस जो है पूरा पीएच वैल्यू पर बेस्ड है, सूचक से क्वेश्चन आ रहा है, अम्ल क्षार से क्वेश्चन आ रहा है ना, अम्ल क्षार से सीधा दो नंबर का क्वेश्चन पूछ दे रहा है। अब आपको क्या करना है, सबका पीएच वैल्यू याद रखना है और कैसे पैटर्न है उसको भी याद रखना है, क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। तो चलो हम बात कर रहे थे क्या कि हम जो है मिशन आपके लिए चालू किए हैं, उसमें आप हमसे बिल्कुल जुड़िए बच्चों, और कंटिन्यू आप वॉच कीजिए, और इसका बिल्कुल आप जितने भी आपको फ्रेंड लिस्ट है उसको भी आप शेयर कीजिए बच्चों। तो आज के लिए इतना करते हैं बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम 4 नंबर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।